जेसीबी का नाम सुनते ही आपको सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले वायरल हो रहे जेसीबी की खुदाई वाला वीडियो तो जरूर याद आ गया होगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम लग ही गया होगा कि जेसीबी पीले रंग की होती है और उसका काम खुदाई करना होता है। लेकिन क्या आपको पता है जेसीबी आखिर पीले रंग की ही क्यों होती है और किसी रंग की क्यों नहीं? अगर नहीं पता तो हम आपको बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीओबी न्यूज। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट से लाइक करके हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जेसीबी के रंग के बारे में जानने से पहले इस मशीन के बारे में हम कुछ ऐसी अनोखी बातें बता देते हैं जो आपको पहले पता नहीं होंगी। दरअसल जेसीबी ब्रिटेन की मशीन बनाने वाली एक कंपनी है जिसका मुख्यालय इंग्लैंड के स्टेफर्ड शायर शहर में है। इसके प्लांट दुनिया के 4 महाद्वीपों में हैं। जेसीबी दुनिया की पहली ऐसी मशीन है जो बिना किसी नाम के साल 1945 में लॉन्च हुई थी। इसको बनाने वाले ने बहुत दिनों तक इसके नाम को लेकर सोच विचार किया, लेकिन कोई अच्छा सा नाम न मिलने के कारण इसका नाम इसके आविष्कारक जोसेफ साइरिल बम्फोर्ड के नाम पर ही रख दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेसीबी पहली ऐसी निजी ब्रिटिश कंपनी है जिसने भारत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। आज के समय में जेसीबी मशीन का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात भारत में ही किया जाता है। साल 1945 में जोसेफ साइरिल बम्फोर्ड ने सबसे पहली मशीन एक टीपिंग ट्रेलर, सामान ढोने वाला ट्रेलर बनाई थी जो उस वक्त बाजार में 45 पौंड यानी कि आज के हिसाब से करीब 4000 रुपये में बिकी। दुनिया का पहला और सबसे तेज रफ्तार वाला ट्रैक्टर फास्ट ट्रैक जेसीबी कंपनी ने ही साल 1991 में बनाया था। इस ट्रैक्टर की अधिकतम रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस ट्रैक्टर को प्रिंस ऑफ वेल्स पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि साल 1948 में जेसीबी कंपनी में महज 6 लोग काम करते थे, लेकिन आज के समय में दुनिया भर में लगभग 11,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। शुरुआत में जेसीबी मशीनें सफ़ेद और लाल रंग की हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसका रंग पीला कर दिया गया। दरअसल इसके पीछे तर्क ये है कि इस रंग के कारण जेसीबी खुदाई वाली जगह पर आसानी से दिख जाती है, चाहे दिन हो या रात। इससे लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि आगे खुदाई का काम चल रहा है।